सही है मेडिकल या फिर वैसे ही है? मेडिकल अच्छा है सर। अच्छा है, क्योंकि मेरे पापा ने काट दिया तो मैं मेडिकल ही लेके आया था। ये सांप हमारे क्षेत्र में नहीं मिलता है, लेकिन इसको एशिया का सबसे खतरनाक सांप कहा जाता है, क्योंकि इसके विषदंत गबून वाइपर के बाद सबसे बड़े होते हैं। अच्छा अच्छा, इसका जहर भी हीमोटॉक्सिक होता है। अच्छा, तो ये एशिया का सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव सतोहा, ये डिवाई के पास पड़ता है गांव सतोहा। यहां से हमने वैसे पहले भी कई सारे सांपों को रेस्क्यू किया है और आज फिर से एक सांप निकला है। तो आज यहां पर हम आए हुए हैं और आज हमसे मिलने हमारे एक उम्र में काफ़ी बड़े हैं, मैं मित्र भी नहीं कह सकता, बड़े भाई हैं। तो वो मेरठ से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारे लाला को हमारे बेटा को सांप ने काटा था, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो काफ़ी सारा समय उन्होंने दिया है, तो मौके पर घर पे ही थे तो रेस्क्यू कॉल आई, तो वो भी रेस्क्यू पर साथ ही आए हैं। चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको भी और सांप को दिखलाते हैं कैसा सांप है, और उसके बारे में जो भी कुछ हमको पता है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइएगा। कहाँ पर है? थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे देखिए। दोस्तों सांप बेहद ही खतरनाक है, सांप का नाम है रसल्स वाइपर, और जो ये बाघ है दोस्तों, और इस बाघ में बच्चे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, काफ़ी सारे बच्चों की यहाँ पर जो है हर वक्त भीड़ रहती है। और मैं जानना चाहूँगा उस भाई से जिन्होंने हमारे पास कॉल किया है, कौन है वो, एक बार सामने आए। तो भाई पहले बताइएगा क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। अच्छा, तो प्रदीप कुमार जी ये बताइए, आपकी निगाह गई थी सांप पर? ना, दोस्त की गई थी, फ्रेंड की, वो बोला चीटी सांप है, मैंने देखी आपकी वीडियो वहाँ वाली गांव वाली। अच्छा, रसल वाइपर है। रसल वाइपर है। अच्छा, तो ये कितना खतरनाक होता है? ये काफी खतरनाक ही होता है सर, इसके कम केसेस रहते हैं बचने के। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा सांप अगर काटे तो क्या कहोगे अपने क्षेत्र वासियों के लिए, कहाँ जाए इलाज के लिए? मेडिकल की दूंगा सुझाव मैं तो। सही है मेडिकल या फिर वैसे ही है? मेडिकल अच्छा है सर। अच्छा है, क्योंकि मेरे पापा भी काट लिए थे तो मैं मेडिकल ही लेके गया था। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू इस बात के लिए, बताने के लिए, और आपने बहुत ही समझदारी का काम किया है। हालांकि ये जंगल है और जंगल में से सांपों को नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन जंगल नहीं है दोस्तों, ये एक बाघ है, और इस बाघ में बच्चे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं। सभी के पास बैट बॉल वगैरह है, दिखाओ बच्चों कहाँ है बैट आपका? यही खेलते हो? बॉल आती है तो यहाँ भी ढूंढने के लिए आते होंगे। तो कितना खतरा है नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, आप देख लीजिएगा ऐसे खतरनाक सांपों से। तो हमारा काम है दोस्तों ऐसे खतरनाक सांपों को आबादी वाली जगह पर से पकड़कर, और एक जंगल में जहां कम आबादी की जगह है, जहां जीव जंतुओं के मतलब की जगह है, उस जगह पर इनको रिलीज करना, हमारा काम बस यही है। और सांपों के बारे में जो भी थोड़ी बड़ी जानकारी हमारे है वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ जो भी आए हुए हैं बड़े भाई, उनसे भी मिलवाते हैं और वो इस सांप के बारे में कुछ दो शब्द कहें और आपके लिए क्या बताते हैं उनसे भी जानते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी दूरी बना लो जरा से, हमें अभी अभी, हाँ ये रहा आपके सामने है घास में। तो यहाँ चलिए बात करते हैं, हमारे ये तीनों बड़े भाई हैं और ये मेरठ से आए हैं काफ़ी दूर से, और इनसे जानते हैं इस सांप के बारे में क्या कहेंगे। आपके यहाँ भी मिलते हैं ये सांप? ये सांप हमारे क्षेत्र में नहीं मिलता है, लेकिन अच्छा, इसको एशिया का सबसे खतरनाक सांप कहा जाता है, क्योंकि इसके विषदंत गबून वाइपर के बाद सबसे बड़े होते हैं। अच्छा अच्छा, इसका जहर भी हीमोटॉक्सिक होता है। अच्छा, तो अच्छा, ये एशिया का सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। अच्छा, इसका जहर जो है जो भी है कोबरा और करेस से ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक होता है इसका जहर। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये है हमारे डॉक्टर साहब जी, आप क्या कहना चाहोगे इस सांप के बारे में? इसके बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं, लेकिन जैसे मैंने सुना है कि इसका जो जहर इतना खतरनाक होता है कि जो काट ले तो उसका जो शरीर जहाँ भी काट लेगा उसका जो शरीर के अंग जो है वो गलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये है हमारे भाई साहब जी, आप क्या कहना चाहोगे? बस कौन भाई क्या बताएं, हमें तो आप लोगों की वीडियो देख देख कर ही पता चला है।
अच्छा अच्छा, ये बड़ा खतरनाक सांप है और हमें तो देख के डर लग रहा है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? तुम्हारी वीडियो देख के ही मैंने इसको देखा था कि ये रसल वाइपर है और ज्यादातर लोग जो जानते नहीं है वो इसे चींटी या अजगर बोलते हैं। अच्छा, अजगर का बच्चा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, और हमने इसे देखा तुरंत तुम्हारे पास फोन किया। अच्छा, तो हमारे काम से कुछ फर्क पड़ रहा है आप लोगों को? क्यों नहीं पड़ रहा, देख रहे हैं तभी तो हमें इतना कुछ जानने के लिए मिला है। ऐसा आप लोग जब तक हमें वो नहीं दोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा हमारे काम का कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं। फर्क तो पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है तभी तो आपको बुलाया यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो हम जो सही दिशा में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं आपकी नजरों में? अच्छा, तो कर बेहतरीन, बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, ऐसा है ना, अभी मेरे बच्चे को मेरे घर पे रखे एक सांप ने काट लिया था, तो अब सभी रिश्तेदार और सभी मेरे आस पड़ोसियों का ये कहना है कि इस काम को बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। तो चलिए, एक घटना हो गई, एक जहरीले सांप ने काटा, उसको समय से हॉस्पिटल भेजा और वो आप सभी के बीच में ठीक है। तो क्या लगता है मैं इस काम को बंद कर दूं? आप आपकी राय क्या कहती है सबकी? नहीं, आपकी वजह से इतने लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप क्यों बंद करोगे ये काम? कभी सेपरेट रहते हैं और कभी कभार ऐसी गलती छोटी हो जाती है, जान बच जाती है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत थैंक यू, आपकी राय मेरे दिल में हमेशा रहेगी। और चलिए, सांप को भी मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहूंगा मैं। और ये रहा, ये बैठा हुआ है क्योंकि ये काफी दूर तक दोस्तों उछट कर वार कर देता है। हाँ हाँ, इस सांप से हमेशा दूरी बनाकर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये खून की गंध पहले सूंघ लेता है और सूंघकर अचानक से बिजली से भी तेज रफ्तार में जो है ये जो है इंसान पर हमला करता है। तो इसके कुछ नजारे मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा ताकि आप विश्वास कर लें कि ये कितनी दूर तक और कितनी तेज रफ्तार से इंसान पर झपट करता है। तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों कैमरामैन थोड़ा सा नजदीक भी आ जाइएगा, इसके वाइट करने का मैं रफ्तार और जो तेजी होती है वो मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा कि जैसे ही इसके आसपास कोई अजीबोगरीब चीज आती है तो वो इस पर किस तरह से हमला करता है। वो देखिए रे साईं के, अपना समझो कि काटी रोएगा कुछ जो आदमी है कछु सही। तो दोस्तों अभी ये अटैक करने के ज्यादा मूड में नहीं है और रेड कलर से थोड़ा डरा हुआ है, तो अब ज्यादा देर परेशान करना ठीक नहीं है, अंधेरा होने को जा रहा है। हमारे साथ कुछ और भी सांप हैं जिनके हमें रिलीज करना है, तो दिखलाने की जो भी कोशिश थी वो एक लिमिट तक होनी चाहिए तो वो मैंने की है। और ज्यादा इसने अपनी हरकत नहीं दिखलाई, वो बात एक और है, किसी और सांप पर हम और किसी और वीडियो में आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको डब्बे में डालते हैं, ये डरा हुआ है और ये ज्यादा अटैकफुल नहीं है मेरे ख्याल से, इसने लमसम दो ही बार अटैक किया है इस ढक्कन पे, अभी उससे डर के सिमट के एक ही जगह बैठ रहा है। तो
दोस्तों मानता हूँ कुछ लोग इस सांप को यूं ही जो है डब्बे में पैक कर देते हैं या हाथ में ले लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इस सांप के बारे में पता है ये कब और किस वक्त आदमी पर हमला कर दे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। और सांप को हमेशा सेफ्टी के साथ ही जो है डब्बे में पैक करना चाहिए। हालांकि मुझसे भी पहले कुछ गलतियां हुई होंगी, पर मैं उनको धीरे धीरे सुधार रहा हूं। और एक सही तरीके से जो है सांप को रेस्क्यू करने का तरीका मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनके लिए भविष्य में कोई खतरा हो, उनके लिए वो कोई मेरे से गलत तरकीब को सीखें। मैं चाहता हूँ वो ऐसी तरकीब सीखें मेरे से कि जो उनके लिए सेफ़ हो और सही हो। तो चलिए इसको डब्बे में सही तरीके से पैक कर लिया है और इसको ले चलते हैं जंगल की ओर। और कहना चाहूँगा आपके एक जवाब का मैं इंतजार करूँगा कि आपको मेरा काम कैसा लगा और कैसा लगता है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। अच्छा लगता है या गलत लगता है या मुझे इनमें कुछ सुधार करना है, वो भी आप अपनी राय ज़रूर लिख सकते हैं और मैं उस पर कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से आपके उस हिसाब में मैं रहूँ जो आप चाहते हो। तो चलिए चलते हैं और जंगल की ओर, जहाँ हमें इन सांपों को आज़ाद करना है। ढेर सारे सांप हमारे देखिए गाड़ी में रखे हुए हैं, अंदर भेजी लेते हैं। बोरे में भी देखिए अजगर सांप है बड़ा सा, और ये डब्बों में एक और रसल पाइप है जो हमने गांव लक्ष्मीपुर से पकड़ा था। और कई सारे सांप हैं इसके अंदर, अब सबका नाम बता पाना अभी मुश्किल है। अब इनको आजाद करते हैं, तभी वीडियो में आपको दिखाते हैं। मतलब लेके आइए साथ में, जाइए तो चलिए दोस्तों आज तक का सफर यहीं तक था और अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अब निकलना है हमें नरोड़ा के लिए सांपों को आज़ाद करने के लिए। वहाँ हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी कुछ इंतजार में भी बैठे हुए हैं, तो उनके साथ हम इन सांपों को रिलीज करने के लिए जाएंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी बाइक।